नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग फॉर ऑल के बारे में। जी हां दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप रीजनिंग जो है राजस्थान पुलिस, पटवार, BSTC, PTT इत्यादि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें रीजनिंग आती है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, अपनी लाइव क्लास का समय रहता है 10:30 बजे सुबह मॉर्निंग में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं कैलेंडर का टॉपिक, और सबसे पहले कैलेंडर का टॉपिक खत्म करेंगे और उसके बाद में जो है इसका आपका टेस्ट रखा जाएगा। तो दोस्तों, एक एक कॉन्सेप्ट को ढंग से ध्यान से समझना है। तो दोस्तों, वर्ष जो है वह होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मित्रों सामान्य वर्ष। कौन सा वर्ष होता है? सामान्य वर्ष। और एक होता है कौन सा? लीप वर्ष। तो याद रह जाएगा फ्रेंड्स, वर्ष दो प्रकार के, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में जो फरवरी है वह 28 दिन की आती है। फरवरी कितने दिन की आती है मित्रों? याद रहेगा 28 दिन की। और लीप वर्ष में जो फरवरी है दोस्तों, वो आती है कितने? 29 दिन की। कौन सी आती है मित्रों? 29 दिन की। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की। सामान्य वर्ष में दिन होते हैं 365। मित्रों कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए जो लीप वर्ष में है वो 366 दिन होते हैं। याद रह जाएगा पहला कॉन्सेप्ट है वर्ष के बारे में, दो प्रकार का, एक सामान्य और एक लीप वर्ष। फरवरी 28 दिन की और 365 दिन, इसमें फरवरी 29 दिन की और 366 दिन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। लीप वर्ष किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, अभी जिक्र आया था लीप वर्ष का, तो दोस्तों लीप वर्ष किसे कहते हैं वो देख लीजिए। दोस्तों, लीप वर्ष की परिभाषा होती है, यदि किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंकों को यदि हम 4 से भाग दे दें, तो यदि भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह लीप वर्ष होता है। कैसे? जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिखा है 2004। क्या लिखा है? 2004। इसके अंतिम दो अंक क्या है? 04। और 04 में यदि मैं 4 का भाग लगाऊं तो शेषफल क्या बचेगा? 0। शेषफल क्या बचेगा? 0। 4 से पूरा पूरा भाग गया, इसका मतलब 2004 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है मित्रों? लीप वर्ष है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने लिख दिया है 2016, अंतिम दो अंक कितने हैं? 16। 16 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा और शेष कितना बचा? 0 बचा। 4 का भाग पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब 2016 कैसा वर्ष हुआ मित्रों? लीप वर्ष हुआ। याद रहेगा, तो लीप वर्ष किसे कहते हैं? यदि किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। लेकिन याद क्या रखना है, शताब्दी वर्ष में वही लीप वर्ष होता है जो 400 से पूर्णतः विभाजित होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो शताब्दी वर्ष आते हैं उनमें 400 का नियम लगता है। कैसे लगता है? कि सर 1900 एक क्या है? शताब्दी वर्ष है। क्या है मित्रों? शताब्दी वर्ष है। यदि 1900 में मैं 400 का भाग लगाऊं और भाग यदि पूरा पूरा जाता है तो लीप वर्ष है, यदि नहीं जाता है तो लीप वर्ष नहीं है। देखिए, 20 से 20 कट गया, 4 का भाग 19 में पूरा पूरा नहीं जाता है, इसका मतलब 1900 जो है वह लीप वर्ष नहीं है। ऐसे ही मैं भाग लगाऊं मित्रों 2000 में, तो 2000 में 400 का भाग जो है वो पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब 2000 जो शताब्दी है वह कैसे शताब्दी है? लीप वर्ष है। कैसा है दोस्तों? लीप वर्ष। तो दोस्तों, दो कॉन्सेप्ट याद रख जाएंगे, यदि किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंकों को 4 से पूर्णतः विभाजित किया जाए और भाग पूरा पूरा चला जाए तो उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन शताब्दी वर्ष में वही लीप वर्ष होता है जो 400 से पूर्णतः विभाजित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से लीप वर्ष कौन सा है। आपको इनमें से छांटना है कि कौन कौन से वर्ष लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला दिया है 1984। हमने क्या सीखा था? अंतिम दो अंक 84 में 4 का भाग दिया, तो दोस्तों आपको पता चला कि पूरा पूरा भाग चला गया कितनी बार? 21 बार। इसलिए ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष हो गया। ये लीप वर्ष है
मैंने टिक कर दिया है। ठीक है, 2004 04 में 4 का भाग जाएगा तो ये भी लीप वर्ष है। 86 क्या चेक कर रहे हैं, 86 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 86 जो है 1986 ये लीप वर्ष नहीं है। फिर 2000 इसमें डिवाइड करेंगे कैसे, 400 से पूरा पूरा जा रहा है तो ये लीप वर्ष है। फिर 1900 अभी हमने किया था, ये लीप वर्ष नहीं है। 2100 में यदि 4 का भाग दें, 2100 में यदि 400 का भाग दें क्योंकि शताब्दी है तो पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए 2100 लीप वर्ष नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर 22 आया हुआ है और 22 में यदि 4 का भाग दें तो पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो निम्न में से दिए गए वर्षों में लीप वर्ष एक हुआ 1984, एक हुआ 2004 और एक हुआ 2000। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार आता है ये शताब्दी वाले, आपको ध्यान रखना है, इनमें 400 का नियम लगता है, 400 का भाग देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है विषम दिनों की संख्या। जी हाँ, विषम दिन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और क्या होते हैं देख लेते हैं। यदि किसी भी दिनों को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष पल विषम दिन कहलाते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आगे बड़े कॉन्सेप्टों में काम आएंगे, हर एक नियम में काम आएंगे, तो इनको अच्छी प्रकार से आप समझ लें। यदि किसी भी दिनों को 7 से विभाजित करेंगे तो जो शेष पल आएगा वह विषम दिन होगा। मान लीजिए कैसे, मैंने दे दिया 31 दिन, 31 दिन में विषम दिन कितने होंगे कि सर 31 में भाग दे दीजिए 7 का, 7 का भाग 4 बार चला गया और 7 चौक 28 हो गया, पीछे कितने बचे 3, और ये जो 3 दिन है यह कौन से दिन हुए, विषम दिन। बात समझ में आ गई मित्रों, किन्हीं भी दिनों को 7 से विभाजित करने पर जो शेष फल बचेगा वह क्या होगा, विषम दिन होगा। कैसे, एक बार वापिस देख लीजिए, मैंने कहा जैसे 25 में 7 का भाग दूं, 7 तरी 21, पीछे कितना बच गया 4, ये 4 दिन क्या कहलाएंगे, विषम दिन कहलाएंगे। ठीक है, या इसकी ऐसे भी परिभाषा कह दें कि वह दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं करते हो। देखिए ये 4 जो है अपना सप्ताह पूरा नहीं करें, क्योंकि सप्ताह कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का, इसका मतलब वह दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं करते हो वह विषम दिन कहलाते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, नोट में देख लीजिए आप अच्छी प्रकार से, एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आ रहा है कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 1 और लीप वर्ष में कितनी होती है 2। कैसे, हमने सामान्य वर्ष में यदि बात करूं, मैं सामान्य वर्ष में अभी देखा था कि दिन कितने होते हैं 365, 365 में 7 का भाग लगा दीजिए, देख लीजिए कितनी बार जा रहा है, 7 5 35, पीछे बच गया 1 15, ये हो जाएगा 7 2 14, यानी 52 बार चला गया और शेष फल क्या बचा 1, और ये 1 शेष बच गया, इसका मतलब ये 1 क्या है, विषम दिन है। क्या है, विषम दिन। इसी प्रकार से लीप वर्ष में दिन होंगे 366 और 366 में 7 का भाग लगाएंगे तो विषम दिन कितना आएंगे, 2 आएंगे शेष फल, तो 2 क्या हो गए दोस्तों, विषम दिन हो गए। तो याद भी रखना आपको, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं। अब देखिए किसी भी वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन के बारे में बात करें तो यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। ध्यान रखना आपको कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि सामान्य वर्ष यदि कोई है तो उसमें 1 जनवरी का और 31 दिसंबर का दिन सेम आएगा। मान लीजिए उसमें 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या रहेगा, सोमवार रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं कि मान लीजिए 1 जनवरी को आपको एग्जामिनर के दे 1 जनवरी 2018 को मान लीजिए क्या है, सोमवार है। एग्जामिनर के दे कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है तो आप बताइए कि 31 दिसंबर 2018 को कौन सा वार होगा। तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, आंसर आएगा सोमवार। क्यों, क्योंकि 2018 कैसा है, सामान्य वर्ष है। कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष में याद रखना है कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर के जो दिन हैं वो एक समान होते हैं, याद रह जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है।
सामान्य वर्ष के लिए है केवल कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं। हमने देख लिया कि 1 जनवरी 2018 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2018 को भी क्या रहेगा, सोमवार रहेगा, क्योंकि 2018 कैसा है, सामान्य वर्ष है। नेक्स्ट है, जबकि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन लगातार होते हैं। लगातार का मतलब क्या है, यहाँ पे लगातार का मतलब है कि यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या आएगा, मंगलवार आएगा। क्या आएगा, मंगलवार। जैसे यदि मैं एक क्वेश्चन की बात करूं कि मान लीजिए कि 1 जनवरी 2016 को रविवार है, 1 जनवरी 2016 को क्या है, रविवार, तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर 2016 कैसा है, लीप वर्ष है। 2016 कैसा है मित्रों, लीप वर्ष, और लीप वर्ष में लगातार दिन होते हैं, तो रविवार के बाद में क्या आएगा दोस्तों, सोमवार आएगा। रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। तो 31 दिसंबर 2016 को हम क्या बताएंगे, सोमवार बताएंगे। क्यों, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन जो लगातार होते हैं किसमें, लीप वर्ष में। चलिए फ्रेंड्स, और भी आपके यदि एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि यदि 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2009 को क्या वार होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हम जल्दबाजी कर लेते हैं और गलत कर देते हैं, मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ। 1 जनवरी 2007 को क्या है, शुक्रवार है, और आपसे 31 दिसंबर 2007 का नहीं पूछा है, किसका पूछा है, 2009 का पूछा है। तो 31 सबसे पहले 31 दिसंबर 2007 का वार देखेंगे क्या रहेगा, शुक्रवार ही रहेगा। क्या रहेगा, शुक्रवार ही रहेगा, क्योंकि 2007 कैसा है, सामान्य वर्ष है। फिर आएगी नई साल, और नई साल का मतलब 1 जनवरी 2008 आ जाएगा। 1 जनवरी 2008 आएगा शुक्रवार के बाद, नए साल में क्या आएगा दोस्तों, शनिवार आएगा। क्या आएगा, शनिवार। फिर 31 दिसंबर 2008 को वार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2008 कैसा है, लीप वर्ष है। 2008 कैसा है, लीप वर्ष, तो रविवार हो गया। फिर आएगा क्या, 1 जनवरी 2009। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2009 आएगा नया साल, तो क्या लग जाएगा, सोमवार लग जाएगा। और हमसे पूछा है 31 दिसंबर 2009 का। अब 2009 कैसा है, सामान्य वर्ष है, तो वही वार रहेगा कौन सा, सोमवार। तो देखिए इस प्रकार से ये जो सवाल है वो आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखे हैं, अगले पार्ट में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों अब एवरीडे केवल रीजनिंग से संबंधित एवरीडे अपनी क्लास लगेगी 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे। तो सभी मित्र जो भी राजस्थान पुलिस, पटवार, BSTC, PTT, रेलवे, NTPC, इन सब की तैयारी कर रहे हैं जिनमें रीजनिंग का पार्ट आता है, दोस्तों आपके लिए ये चैनल बहुत ही लाभदायक साबित होगा। दोस्तों लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलेंगे कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।